कुकीज़ तो हम हमेशा बनाते हैं, लेकिन आज की जो कुकीज़ की रेसिपी है बिल्कुल डिफरेंट तरीके से आज मैं इस कुकीज़ को बनाऊंगी। तो इसको खाते ही एकदम मुंह में घुल जाएगी ये कुकीज़, बहुत ही खस्ता बनती है। और इसमें जो ख़ास बात यह है कि आप इसे फर्स्ट टाइम भी बनाइएगा तो भी बहुत ही अच्छी बनेगी और बिल्कुल कम टाइम में बन जाती है, बिल्कुल आसानी से बन जाती है। तो इसको एक बार आप ज़रूर ट्राई करिए और वीडियो को पूरा देखिए बिना स्किप किए हुए, तभी आपको ये रेसिपी समझ में आएगी। तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू नाहिद किचन। तो यहाँ पे मैंने एक बॉल लिया है, 3 कप मैदा मैं ले लूँगी और मैदे को अच्छी तरह से छान लूँगी। और आधा कप यहाँ पे मैंने नारियल का पाउडर लिया है। तो देखिए, 3 कप मैदा लिया है तो आधा कप यहाँ पे मैंने नारियल का पाउडर लिया है। तो आप घर का ही कोई बर्तन ले लीजिए, उसी से सारे मेजरमेंट कर सकते हैं। तो चलिए, अब इसमें 1 कप यहाँ पे मैं चीनी डाल दूँगी। चीनी को मैंने जार में डाल के उसका एक पाउडर बना लिया है, तो आप चीनी का पाउडर बना के ही डालिए तो चीनी अच्छे से मैदे में घुल जाएगी। और आधा कप यहाँ पे मैंने सफ़ेद वाला तिल लिया है, इससे कुकीज़ का टेस्ट बहुत अच्छा आता है, तो इसको ज़रूर डालिए। और एक कप यहाँ पे मैंने बारीक वाली सूजी को लिया है, वो मैं इसमें डाल दूँगी। अगर आपके पास मोटी वाली सूजी है तो टेंशन मत लीजिए, जार में डाल के उसका पाउडर बना के आप डाल सकते हैं। और 1 चम्मच यहाँ पे मैंने सौंफ लिया है, सौंफ डालने से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है कुकीज़ का, तो सौंफ को मैंने क्रश करके डाल दिया है। और 1 चम्मच यहाँ पे मैंने इलायची पाउडर डाला है, इलायची पाउडर से टेस्ट और फ्लेवर बहुत अच्छा आता है कुकीज़ का। आधा कप यहाँ पे मैंने घर का निकला हुआ घी लिया है, घर में ही मैंने घी को निकाला है, तो आधा कप घी डाल दीजिए इसमें। 3 कप मैदा है तो आधा कप इसमें मोइन के लिए घी डाल दीजिए। तो घी इकट्ठे नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके मैदे में मिक्स करेंगे घी को। देखिए, तो दोनों हाथों से इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। 5 से 6 मिनट तक लगातार इसको मैंने मिक्स किया था, तो घी को अच्छे से मैदे में मिक्स करिए, तभी आपकी कुकीज़ अच्छी बनेगी। तो देखिए, अच्छे से मैंने मैदे में घी को मिक्स कर लिया है। तो देखिए, अब इसको चेक कैसे करेंगे कि डो के लिए हमारा मैदा रेडी हुआ कि नहीं। तो यहाँ पे इस तरह से मुट्ठी बांध के चेक करेंगे, तो देखिए इस तरह से मुट्ठी बनने लगी है। तो अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका एक ना ज़्यादा हार्ड ना ज़्यादा सॉफ्ट डो लगाना है, तो मीडियम डो लगाना है। देखिए, तो मैदा थोड़ा ज़्यादा है, इस वजह से मैंने दोनों हाथ से इसको गूंदा है। देखिए, डो हमारा रेडी हो चुका है। तो देखिए, अब क्या करेंगे इसको, इसको मैं 15 से 20 मिनट के लिए रेस्ट पे छोड़ दूंगी। तो देखिए, कैमरा यहाँ पे हमारा सेट नहीं हो पाया था, इसलिए मैं ठीक से आपको दिखा नहीं पा रही हूँ। तो देखिए, यहाँ पे मैंने एक लोई ले लिया, उसका एक रोटी जैसा बेल लिया, आप देख सकते हैं इसका थिकनेस। तो यहाँ पे मैंने एक कुकीज़ कटर लिया है, देखिए इससे मैं आज कुकीज़ को रेडी करूँगी। तो देखिए, अगर आपके पास कुकीज़ कटर नहीं है तो आप चाकू से भी काट सकते हैं, कोई सा भी शेप दे सकते हैं जो आपको पसंद हो। तो मेरे पास ये कुकीज़ कटर था तो मैंने इससे इसको बनाया है। तो चलिए, सारे कुकीज़ को मैंने इस तरह से कट कर लिया है। तो दोस्तों, कुकीज़ बनाने का ये नया तरीका आपको कैसा लग रहा है? अगर थोड़ा सा भी पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा। चैनल पर अगर मेरे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मेरे वीडियो को फुल वॉच करिएगा। तो चलिए, सारे कुकीज़ को इस तरह से मैंने कट कर लिया है और तेल को मैंने पहले से ही गैस पे गर्म करने के लिए छोड़ दिया है। तो तेल का टेम्परेचर कैसा रखना है, तेल को पहले अच्छे से गर्म करेंगे, फिर फ्लेम को लो कर देंगे। हल्का गर्म रखना है, ज़्यादा गर्म नहीं रखना तेल का टेम्परेचर। तो देखिए, इस तरह से मैं कुकीज़ को तेल में डाल दूँगी और फ्लेम को बिल्कुल लो रखना है और थोड़ी देर के लिए इसको छोड़ देंगे। फिर इस तरह से किसी चीज़ से इसको पलट देंगे। तो देखिए, कितना अच्छा कलर आया हमारे कुकीज़ का। तो इसको निकाल लेंगे। तो चलिए, अब हमारी कुकीज़ रेडी हो चुकी है और दूसरा बैच का भी मैं डाल दूंगी इसमें। और फ्लेम को बिल्कुल लो ही रखना है। तो देखिए, लो फ्लेम पे इसको फ्राई करेंगे कुकीज़ को। थोड़ा टाइम लगता है लेकिन बहुत ही टेस्टी बनता है, तो आप इसे ज़रूर एक बार ट्राई करिए। तो चलिए, सारे कुकीज़ को मैंने इस तरह से फ्राई कर लिया है। तो थोड़ा सा ये ज़्यादा खस्ता होते तो आप संभाल के इसको चलाइए। तो देखिए, दूसरे बैच का भी अब रेडी हो चुका है। अब मैं इसको निकाल लूँगी।
चलिए मैं आपको सर्व करके इसको दिखाती हूँ। इस तरह से मैंने एक प्लेट में इसको निकाला है। देखिए इतनी खस्ता है कि रखते ही एकदम टूटने लगे हैं। बहुत ही टेस्टी बनते हैं। आप इसे किसी फेस्टिवल में बनाइए, ऐसे ही बनाइए, बच्चों को तो ये बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। बच्चे तो मांग मांग कर खाएंगे अगर आप इसे बना के बच्चों को खिला दीजिएगा। तो चलिए मैं तोड़ के दिखाती हूँ। बहुत ही खस्ता बने हैं, एकदम मुँह में घुल जाने वाला इसका टेक्चर है। तो देखिए आप इसे चाय के साथ भी खा सकते हैं। तो वीडियो पसंद आती है तो लाइक का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा और अपने फैमिली फ्रेंड में मेरी रेसिपी को शेयर कर दीजिएगा और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।